गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको नंबर लाइन तक बताया था। आज मैं आपको आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स के बारे में बता रही हूँ। सो नंबर वन, एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी दो मतलब टू होल नंबर्स को लेते हो, जैसा कि मैंने ज़ीरो लिया और टू लिया, तो ज़ीरो प्लस टू अगर आप इनका प्लस करते हो तो आंसर भी हमारा कितना आता है, होल नंबर में ही आता है। तो ये है। आगे है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। इसका मतलब है भी अगर आप कोई भी टू होल नंबर्स लेते हो, जैसे मैंने टू लिया, यहाँ पे थ्री लिया और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किसी भी मतलब दो होल नंबर्स लेने पर, उनका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो भी एक होल नंबर आता है। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। इसका क्या मतलब है, आर नॉट क्लोज्ड? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई टू नंबर्स मैंने लिए, यहाँ पे सिक्स और फोर लिया, अगर आप इसका माइनस करते हो तो टू आ गया, तो टू इज़ अ होल नंबर। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स करके करते हो, जैसे मान लो मैंने फोर पहले ले लिया और सिक्स पीछे लिया, तो फोर माइनस सिक्स का आंसर कितना आ रहा है, माइनस टू। तो टू तो होल नंबर है लेकिन माइनस टू नहीं है। तो इसलिए ये हमेशा माइनस करें, सब्ट्रैक्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी भी टू नंबर्स को माइनस करें तो उसका आंसर सेम आए। तो इसीलिए होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। और डिवीज़न में भी मैं आपको बताती हूँ, डिवीज़न में जैसा कि मैंने एग्जांपल ली यहाँ पे, एट डिवाइड बाय फोर, तो इसका आंसर आ गया टू। टू ये सभी जानते हैं कि ये होल नंबर है। फोर डिवाइड बाय एट, अगर आप फोर का एट से डिवाइड करते हो तो देखो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो वन अपॉइंट टू आ गया। तो वन अपॉइंट टू इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवीज़न बाय जीरो ऑफ ए होल नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई होल नंबर मैंने लिया फोर, और अगर मैं डिनोमिनेटर पे यहाँ पे जीरो रखती हूँ, तो बच्चों ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड, ये चीज़ नॉट डिफाइंड है हमारी। अगर आप ऊपर न्यूमिनेटर में जीरो लेते हो, जीरो का किसी भी होल नंबर से डिवाइड करते हो, तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। तो ये मतलब न्यूमिनेटर में जीरो तो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं हो सकता। आगे है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल, जीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। कहते हैं जैसे जीरो में आप कोई भी होल नंबर, कोई भी नंबर ऐड करो तो बैक वही नंबर आ जाता है। जैसे मैंने ज़ीरो में टू प्लस किया था तो टू ही आ गया उसका प्लस करके। ऐसे ही अगर मैं टू का वन से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मल्टीप्लाइकेशन के अंडर देखूँ, तो वन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। कैसे कि अगर मैं किसी नंबर का वन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये टू आ गया। कहने का मतलब एडिशन में जीरो को जीरो पे के साथ प्लस करने पर वो नंबर आता है, और मल्टीप्लाई में वन के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर बैक आता है। इसलिए बोला जाता है ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये बोला जाता है इसमें। आगे है नेक्स्ट हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो देखो क्लोज़र प्रॉपर्टी के अंदर इसके देर आर फोर पार्ट्स, ए बी सी डी, वन बाय वन मैं आपको ये समझाऊँगी अभी। इफ़ वी एड एनी टू होल नंबर्स द रिजल्ट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी टू होल नंबर लेते हो, टू और फाइव, अगर मैं इनका ऐड करती हूँ जो भी आंसर आता है तो वो भी तो एक होल नंबर होगा। ये है इसका मतलब कि किसी भी टू नंबर्स का एडिशन करने पर जो हमारा आंसर आता है वो भी क्या होता है, होल नंबर। आगे नेक्स्ट है, इफ़ यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ एनी टू होल नंबर द रिजल्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। कहते ऐसा डिफरेंस के केस में नहीं होता। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने लिया थ्री माइनस फाइव, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस टू। माइनस टू ये हमें पता है ये होल नंबर नहीं है। और अगर मैं लेती हूँ फाइव माइनस थ्री तो टू आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव होल नंबर नहीं होता हमारा। तो इसका मतलब यहाँ पे टू क्या है, वो एक होल नंबर है। तो एग्जांपल हम इसमें ऐसे दे सकते हैं। इसलिए डिफरेंस के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों होल नंबर आए, लेकिन यहाँ पे एडिशन के केस में पॉसिबल है कि हमारा जो प्लस करने पर होल नंबर ही आता है। थर्ड है हमारा, इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज ए होल नंबर। अगर आप कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई थ्री किया तो फिफ्टीन आ गया। यू नो वेरी वेल फाइव इज़ ए होल नंबर, थ्री इज़ ए होल नंबर, सो फिफ्टीन इज़ ऑल्सो ए होल नंबर। ऐसे ही अगर मैं फाइव का जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो फाइव ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो का किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो ये भी एक होल नंबर है, ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। तो मल्टीप्लाई के इसके मल्टीप्लाई में भी ये जो है एप्लीकेबल होता है। आगे है फोर्थ, इफ़ यू डिवाइड ए होल नंबर बाय अनदर होल नंबर देन द रिजल्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फाइव का डिवाइड किया ट्वेंटी से, फाइव
डिवाइड बाय द 20, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 आ गया, तो 1/4 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया कि देखो डिवीजन के केस में भी होल नंबर नहीं आता और सब्ट्रैक्शन के केस में भी नहीं आता, एडिशन और मल्टीप्लाई के में आ जाता है। तो ये हो गया, होगी हमारी 6 प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर रही हूँ।